अरे जोर से बोलो भाई, नहीं है किसी में वैक्सीन हाथ पर चल रहा है, कमजोर हो रहा है। बात आ रही थी कि हमारे काम क्यों नहीं हो रहे हैं, हमारे काम बिगड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जो बड़े बड़े पूंजीपतियां हैं वो हमारे रोजी रोटी छीनने के चक्कर में हैं, और वो छीन रहे हैं और हम चुपचाप देख रहे हैं। और लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी तो कोई लड़नी पड़ेगी। सबसे पहली बात यह है कि अभी बात आ रही थी कि सरकार की बात आ रही है, अभी सरकार के अंदर जो सरकार बैठी है उसके अंदर जो मॉनिटरी कमेटी है, जो स्टैंडिंग कमेटी है, वहाँ पर बड़े बड़े प्रस्ताव पास होते हैं आपके फेवर में, परंतु चलते चलते कॉर्पोरेशन दिखाते हुए, एमसी दिखाते हुए, एनडीसी हटाते हुए वो खत्म हो जाते हैं। जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं वो तुम्हारे धन को बिगा रहे हैं, और अभी कोर्ट के अंदर जो केस चल रहे हैं वो सारे के सारे पूंजीपतियों के हैं, और पूंजीपति क्या है, सभी को खरीद देते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, परंतु क्योंकि हमारे लोगों के बीच में ऐसे लोग भी हैं जो कि इधर की उधर करते हैं, और वो सबसे बड़ा नुकसान करते हैं। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि इंसान जो भी मार खाता है मैं उनको डायरेक्ट भी कहना चाहता हूँ, आपको जो अधिकार मिलना चाहिए उसके अंदर अगर जो आप चाहते हैं सबसे बड़े जाली मजदूरों में उनके ऊपर अत्याचारी लोग हैं, वो उन लोगों के साथ भी हमें लोगों को नहीं बैठना है, हमें लड़ाई लड़नी है अपनी। और लड़ाई लड़ते हुए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो एक्ट पास हुआ, एक्ट के अंदर जो बातें लिखी है, जैसे कि आपने भी जो आपको मेहंदी सर्टिफिकेट मिला है उसके अंदर अभी महिपाल की बता रहे थे, अभी धर्मपाल की बता रहे थे, कुछ कमियां हैं, कमियां नहीं है, कमियां वो ऐसे हैं कि जो 2007 के अंदर एमसीडी ने प्रस्ताव पास कर रहे उसी को लेकर चल पड़े हैं वो, जबकि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। 2007 के अंदर ये शर्तें थी परंतु अब नहीं है, एक्ट के अंदर क्लियर है जो जहाँ बैठा है उसको वहीं पर किसी वैंड सर्टिफिकेट के ऊपर कहीं पर भी कोई जगह का नहीं होगा। उसमें क्या लिखा गया है, कोई मोबाइल वेंडर नहीं है, कोई स्वीट वेंडर नहीं है, कोई पक्का स्वीट वेंडर नहीं है, उसको लिखा आदर्श 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 क्या है भाई, किसी को कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि आप लोग जैसे मैं इनको क्या मालूम होता लिख रहे हैं, और उन लोगों ने बिना टाउन मंडी कमेटी के प्रस्ताव पास किए, ये सब अपने पास से लिख दिए। उसमें ये नहीं है कि आपकी लड़ाई खत्म हो गई, लड़ाई लड़ेंगे और अपना हक लेके रहेंगे, और इसके अंदर मेरा एक ही कह रहा है, मैं पहले भी कहता हूँ कि उम्मीदों पर जीता है जमाना वो क्या करेगा जिसको कोई उम्मीद नहीं है, उम्मीद लेकर चलो कि हम जीतेंगे और लड़ाई जीतेंगे, जीत के रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। जुलूस आ रहे, अभी इन्होंने जो बोला है ये बात सही है, दिल्ली में दलाल है, अलग अलग जाएगा दलाल जो बर्बाद कर रहे, जो एनडीएमसी का एमसीडी का साथ मिलके हकरों का हक के खिलाफ खड़ा हो रहे हैं। हम लोग का भीतर में जो था वो खुद चला गया, बट अभी पूरा दिल्ली को हम लोग एक कर रहे हैं, पूरा दिल्ली को एक करके हक लेंगे, हमारा पूरा कानून को लागू करने का काम करेंगे, सबका अधिकार को। हम हमारा साथी एनडीएमसी की नेता टाउन बेंडिंग कमेटी मेंबर हयात भाई, हम हयात भाई को बोले प्लीज हयात भाई आओ आओ जल्दी आओ जल्दी। आप सभी लोगों का मैं ये धन्यवाद करूंगा कि आप एनडीएमसी के खिलाफ आज एनडीएमसी के वेंडर्स के सपोर्ट में दिल्ली के कोने कोने से यहाँ आए, आपका बहुत शुक्रिया। हमारी लड़ाई में आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा, और ये उम्मीद करूंगा कि एनडीएमसी की आंखें और कब लोग किस तरीके से वेंडर्स के ऊपर जुल्म सितम कर रहे हैं उनको बिल्कुल भी ये समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग ईमानदारी से बच्चों का भरण पोषण करते हैं, कोई इलीगल कार्य नहीं करते। 2 महीना हो गया साथियों, हमारे सीपी सर्कल के वेंडर्स को बेदखल किए हुए, लीगल के वेंडर्स को बेदखल किए हुए, पालिका बाजार के वेंडर्स को बेदखल किए हुए, यहाँ से लेकर सरकार तक, हाई कोर्ट तक, और न जाने कितने दरवाजों पर हम लोग दादा शक्तिमान के नेतृत्व में अपनी बातों को लेकर के गए हैं। कोई भी सुनने को इस बात के लिए तैयार नहीं है कि
वेंडर्स का अधिकार इस कानून के द्वारा स्थापित किया जा चुका है इस देश के अंदर, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस देश में कानून का शासन है, ये समझ लेना चाहिए। बावजूद उसके कोई भी अधिकारी, कोई भी न्यायिक अधिकारी ये चाहता ही नहीं है कि स्ट्रीट वेंडर कानून सड़क पर उतर कर लागू हो सके। मगर हमारा जो काम है अभी एनडीएमसी का पास जुलूस करेंगे तो जस्ट हम हमारा तोरणपुर की नेता दिल्ली की शान कोऑर्डिनेटर दिल्ली की शान मान हमने संदीप शर्मा को बोलेंगे छोटा करके मूल भाषण को दो। साथियों जिंदाबाद, बोलो फिर से जोर लगा के जिंदाबाद। ओ दादा उधर से आवाज नहीं आ रहा है, इधर हाथ ऊपर करवाओ। महेश आ जाओ। पीछे के जितने साथी इधर आए नजदीक आए, आप जिस काम के लिए आए हैं वो काम आपके समझ में आना चाहिए। आपका कानून क्या है? आप लोग बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको इस कानून के बारे में सही तरीके से नहीं पता। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। रेहड़ी पटरी पूरे देश के फुटपाथ दुकानदार जो पटरियों पे फुटपाथ के किनारे अपना दुकान लगाते हैं उन सबको हमेशा कभी भी भिखमंगों की तरह किसी भी तरीके से हटाया गया, उनको हमेशा नकारा गया, हमेशा पुलिस वालों ने नगर पालिका ने जिसका भी मन किया उसने हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान करने का काम किया। हाँ या ना? हाँ। या ना? हाँ। अपने पैसे भरे, अपने लोगों के जूते खाए, गालियां सुनी, ये सब हुआ। क्यों हुआ भाई? आपका चोरी करते हैं? आपका जगती डालते हैं? मेहनत नहीं करते क्या? आप पशु में बहाते हैं, खून बहाते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, तब जा करके दो मिनट का दो वक्त का रोटी का आप जुगाड़ कर पाते हैं। आप चोरी तो नहीं करते ना? तो फिर क्यों ये सहते हैं? हम क्यों सहते हैं? नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। क्या चार अब नहीं सहेंगे? ये सिर्फ आपकी रोजी रोटी की बात है? नहीं, आज ये बात दिमाग में बिठा लो। आप जो सामान बेचते हैं वो बड़ी दुकान में मॉल में नहीं बिकता, उसको बनाने वाली कंपनी छोटी कंपनी होती है, उसमें काम करने वाला कर्मचारी लेबर वो सब के सब जितने मजदूर हो जाएंगे जिस दिन आपका मार्केट खत्म हो जाएगा, होगा ना? होगा ना? इन सब को ध्यान में रखिए। 2014 में ये कानून बनाया। हेलो क्या था आपके लिए? आज 2021 खत्म होने वाला है, 2022 आने वाला है, ये 8 साल होने के बावजूद भी ये कानून लागू नहीं हुआ, ये कानून लागू नहीं हुआ। और इस कानून को लागू नहीं होने से आज तक आप अत्याचार सह रहे कि नहीं सह रहे? तो हमारा एक ही डिमांड है, ये एनडीएमसी
इस एनडीएमसी ने आज तक सर्वे नहीं किया। आप सभी बहुत भाइयों का सर्वे हुआ ना, हुआ ना, लेकिन आप में से हजारों लोगों का सर्वे आज भी नहीं हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। इन सभी का सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये कानून किसी एक के लिए या कुछ लोगों के लिए नहीं, सभी फुटपाथ दुकानदारों के लिए, सभी घूम फिर करके धंधा करने वालों के लिए है। इन सभी को रोजगार का अधिकार मिलना चाहिए, नहीं मिला। ये एनडीएमसी में एक भी सर्वे नहीं हुआ। टीवीसी बनाई गई है, कानून के तहत टीवीसी बनाई गई है। ये कहते हैं टीवीसी को कोई पावर नहीं है, सिर्फ सर्वे करने का पावर है, तो सर्वे क्यों नहीं किया? जब सिर्फ सर्वे करने का पावर था तो सर्वे क्यों नहीं किया? आप लोगों को, जिन लोगों को कुछ सर्वे हुआ भी है उनको ब्रांडिंग सर्टिफिकेट मिला है, मगर आपने पढ़ा है उस सर्टिफिकेट? ओ दादा बात सुनो, जिसको भी सर्टिफिकेट मिला है उनको सिर्फ 30 मिनट का दुकान लगाने का जगह मिला है, यही है ना? ये सर्टिफिकेट बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? इन सब के लिए हमको ऐसे ही लगातार आंदोलन करना पड़ेगा। ये आज एक बार जंतर मंतर है, इससे काम नहीं होगा। हम हर दिन आंदोलन करेंगे, कर सकते हैं ना? हमारे फुटपाथ दुकानदार हर रोज सड़क पे होते हैं, अगर हम चाहें तो हर दिन आंदोलन कर सकते हैं। हर दिन हम बैनर पोस्टर लेकर के एक जुलूस करके अपना दुकानदारी कर सकते हैं, करेंगे। हमारे सभी होकर को जब तक उनका कानूनी अधिकार नहीं मिलता तब तक ये लड़ाई हमको लड़नी होगी। हमारे सभी फुटपाथ दुकानदार का सर्वे नहीं होता तब तक हमको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और अगर सर्वे नहीं होगा तो आज भी नगर पालिकाओं ने तय कर लिया है कि जिनका भी सर्वे नहीं हुआ है उन सबको ये हटाना शुरू करेंगे। तो आप सबको जिनका भी सर्वे नहीं हुआ है, हमारा नंबर, हमारा पर्चा, सब कुछ है, हमारे पोस्टर लगे, हम तक पहुंचिए। हम आपका नाम केंद्र सरकार, राज्य सरकार और दिल्ली कोर्ट में हर जगह जमा करेंगे। एक सबसे खतरनाक बात यह है, सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सारा अधिकार हमको तब मिलता है जब ये कानून है, जब ये कानून है। अगर ये कानून खत्म हो जाएगा दादा आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक मिनट दादा। आज दिल्ली कोर्ट में कानून को खत्म करने का सुनवाई चल रहा है, और इसके लिए हम आज इकट्ठा हुए हैं कि आज हमारे वकील कोर्ट के अंदर हमारे कानून को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या उनका साथ हम नहीं देंगे? हमको हमेशा देना पड़ेगा, जब तक कि ये कानून लागू नहीं हो जाता है हमको इसी तरीके से लगातार आंदोलन करना पड़ेगा। इतना ही तो करेंगे ना हम? पक्का। क्योंकि अभी हम लोगों को और काम है, हमारे पास टाइम नहीं है, तो और ज्यादा नहीं कहता हूँ। एक ही आवाज के साथ हम लड़ेंगे। धन्यवाद। राजेश महित जो सबसे ज्यादा मेहनत किया संदीप के साथ, उनको भी भाषण दे रहे नहीं दे रहे, हमें जुलूस करना है, जुलूस करेंगे, मगर एक चीज समझ लीजिए, हटे सामने से हम जुलूस के सामने रहेंगे। जहाँ खड़ा होगा, जहाँ मैं खड़ा हूँ, कोई आदमी मेरा पीछे में नहीं जाएगा, वही खड़ा रहने पड़ेगा। ये डिसिप्लिन मैं पुलिस को बोल के ये चिंतन किया हूँ, वो जुलूस नहीं करने देगा बोला था, मगर मैं बोला आज तक कभी नहीं थे, लड़ाई करते पुलिस के खिलाफ भी रास्ता में, मगर ये जो नियम को मानते हैं, इसीलिए जुलूस की पहले मैं रहूंगा, जुलूस के अंदर में हमारा प्रेसिडेंट कोचोर जी रहेंगे, संदीप मोहित राजेश हमारा टाउन बैंडिंग कमिटी मेंबर जो है, ये सब लोग उनका सामने रहेंगे, पीछे में बाकी लोग रहेगा, एक साथ चलेंगे, एक रास्ते पे चलेंगे, कोई भी इधर उधर रोक नहीं होगा, कोई भी तरह का दिक्कत प्रॉब्लम नहीं करेंगे, ठीक है? नेशनल वोटर फेडरेशन से
यहाँ पे जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हाकर यूनियन के तरफ से हो रहा है, इसका मेन डिमांड क्या है आपका? देखिए, हमारा मेन डिमांड है कि हमारा कानून जो 2014 में लागू हो चुका है, उस कानून को पूरी तरीके से, जो पूरे देश के लिए बनाया गया है, उसको उसी कानून के आधार पर जो योजना दिल्ली सरकार ने बनाई है, जो नियमावली बनाई है, उसको मानते हुए बिल्कुल जिस तरीके की नियमावली में जो प्रावधान डाले गए उन प्रावधानों का पूरी तरीके से अमल किया जाए, उसको ही पूरी दिल्ली में इम्प्लीमेंट किया जाए। और इसके अलावा हमारा कोई दूसरा मांग नहीं है। जब तक कि कानून लागू नहीं हो जाता, जब तक सभी स्ट्रीट वेंडर का सर्वे नहीं हो जाता, उनको वेंडिंग सर्टिफिकेट इशू नहीं कर दिया जाता, तब तक किसी भी स्ट्रीट वेंडर को अपनी जगह से हटाया नहीं। सुप्रीम कोर्ट आदेश के बावजूद भी इस समय पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में यह आदेश दे दिया था कि जब तक सर्वे नहीं होगा आप किसी को नहीं हटा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि इसके बाद कानून बनेगा और कानून के आधार पर सारा काम होगा। कानून हमारा आ गया, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों का इस्तेमाल करते हुए व्यापारी वर्ग दिल्ली हाई कोर्ट से हॉकरों को उजाड़ने का आदेश लेकर के आ गए। इस चीज में कोर्ट भी और बाकी जितने भी अधिकारी हैं हमारे नगर पालिका के प्रशासन के लोग, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना करने हैं और पूरी तरीके से कानून को, दिल्ली सरकार की बनाई नियमावली को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार आपके साथ खड़ियात कर रही है, इसका किसके आरोप लगाओगे? नहीं, इसका आरोप हम पूरी तरीके से प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लगाते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार का जो कार्य क्षेत्र था, दिल्ली सरकार ने अपनी योजना बनाई, ये सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारियों ने उसको लागू नहीं किया। नेशनल होकर दोस्तों, हाँ नाम बताइए। टीवीसी मेंबर, हाँ, पश्चिम बिहार क्षेत्र से, रोहिणी जोन से। मेरे एरिया में ये वेल्डिंग सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, इन पे सर्टिफिकेट इनका लिए इस सर्टिफिकेट में दे दिया गया है कि तो ये मैं आपसे एमसीडी से, दिल्ली पुलिस से ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि हमें अदर का मतलब क्या होता है? है हमारी कोई गिनती नहीं है, अदर में डाल दिया है। अदर का मतलब होता है
एक किन्नर, क्या हम रेडी पटरी वाले सारे जितने भी किन्नर हैं क्या उनकी भी कुछ मांगे होती हैं पूरी की जाती हैं? हमारी मांगे कि दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार क्यों नहीं पूरी कर रही? हम NHF की तरफ से TBC मेंबर, हम सारे इकट्ठे आज जंतर मंतर पे इकट्ठे इसलिए हुए हैं ताकि हमारी ये जो सर्टिफिकेट में गलतियां हैं इनको सुधारी जाए। ये ऑनलाइन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किए उस समय आप क्यों नहीं इसको कंप्लेन किए थे? इस सर्टिफिकेट में सर हमने ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से हमने अपने जहाँ हम रेडियां पटरियां लगाते हैं वहाँ का अच्छे से एड्रेस दिया था, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती अपनी मर्जी से ये एड्रेस डाल दिया, वार्ड डाल दिया। दूसरी बात एक चीज़ और है कि हम इन सर्टिफिकेट को जब हमें पता चला कि ये गलत है तो हम लेने नहीं गए, तो जबरदस्ती डाक द्वारा हमारे घर पे पहुंचा दिया गया। तो इसके लिए आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं हमारा सुधार कर सर्टिफिकेट को सुधारा जाए और जिस जगह पे हैं एड्रेस डाला जाए और जो हमारे जो 2014 के कानून में लिखा है उसको कानून के हिसाब से लागू